नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। शहर की इंदरगंज पुलिस ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से ग्वालियर भिंड मुरैना के स्कूलों की सील बनी है। पुलिस को कई प्रशिक्षणार्थियों के थंब इम्प्रेशन मिले हैं जिन्हें अटेंडेंस के रूप में काम में लिया जाता था। दरअसल मुख्यमंत्री कौशल विकास संवर्धन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कई छात्रों ने सितंबर 2018 में CSE इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया था, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें ना तो सर्टिफिकेट दिया गया और ना ही कोई परीक्षा ली गई। एक प्रशिक्षणार्थी हर्षवर्धन राजावत ने इसकी शिकायत पुलिस से की और बताया कि प्रशिक्षण देने वाले युवाओं के नकली थंब इम्प्रेशन बनाकर उनकी अटेंडेंस लगा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने फालका बाजार स्थित PSC कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापा मारा और वहां से विवेक यादव, उसके भाई प्रमोद यादव सहित कंप्यूटर ऑपरेटर रमन सर को पकड़ लिया। पुलिस को इनके पास से कई स्कूलों की सीलों के साथ अटेंडेंस के लिए तैयार किए गए थंब इम्प्रेशन भी मिले हैं। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का एक ऑफिस है फालका बाजार में, वहाँ से कुछ एक सूचना मिली कि वहाँ पर फर्जी तरीके से कुछ डाटा ऑपरेटिंग का कोर्स जो करवाया जाता है उसमें मतलब फर्जी तरीके से उनकी उपस्थितियाँ दर्ज कराई जाती हैं, इस टाइप से कुछ सूचना मिली थी। सूचना की तस्दीक के लिए मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा तो मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर मुझे कई मात्रा मतलब सील विभिन्न कॉलेजों की, स्कूलों की, इवन मतलब ग्वालियर के अलावा भिंड और मुरैना की भी शासकीय संस्थानों की सीलें मुझे उस वहाँ पे मिली हैं। और कुछ थंब प्रिंट जो डुप्लीकेट होते हैं जिनको मतलब डेवलप किया जाता है, जिनसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस में जिनका यूज़ किया जाता है, तो फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में वो जो थंब प्रिंट बनाए जाते हैं वो चीज़ें मुझे मिली हैं। तो अभी मामला प्रथम दृष्टया तो काफ़ी मतलब सेंसिटिव लग रहा है और 2 आरोपी हम लोगों ने भी कस्टडी में ले लिए हैं। एक और है जो लड़का जो वहाँ पे अभी टेम्प्रेरी जॉब करता है, उसकी संलिप्तता शायद उतनी है नहीं, लेकिन 2 व्यक्ति जो हैं जो संस्थान को चला रहे हैं वो उनसे भी और इंटरोगेशन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। यह बता दें कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत प्रशिक्षण देने की एवज में सरकार से संस्थान को भुगतान भी मिलता है। अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थियों को दिखाने के लिए इंस्टीट्यूट थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगाने का काम कर रहा था। इस मामले में बरामद हुए थंब इम्प्रेशन का परीक्षा संबंधी दूसरे स्थानों पर भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता था। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो महंगी महंगी कंपनी के नकली कॉस्मेटिक सामान तैयार करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से आधा सैकड़ा कार्टूनों में भरा हुआ करीब 8 लाख रुपए का डुप्लीकेट कॉस्मेटिक का सामान जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच पुलिस को कॉस्मेटिक कंपनी के अधिकारियों ने सूचना दी कि शहर में उनकी कंपनी के नाम से कोई शख्स डुप्लीकेट सामान बाजारों में बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल फैलाया और विनय नगर इलाके में एक कमरे से डुप्लीकेट कॉस्मेटिक सामान के साथ राकेश दुबे नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में युवक ने खुलासा किया है कि वो बिहार के लखीमपुर का रहने वाला है और उसका नाम राकेश दुबे है और वो इस पूरे गोरख धंधे को दिल्ली से ऑपरेट कर रहा था। वो दिल्ली से डुप्लीकेट सामान लाकर उन्हें तैयार करवा कर शहर की मार्केट में सस्ते दामों में दुकानदारों को खपाने का काम किया करता था। फिलहाल आरोपी नक्काल राकेश दुबे क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में पहुंच चुका है और पुलिस उसे रिमांड पर लेकर ये पता लगाने की प्रयास कर रही है कि वो दिल्ली के किन ठिकानों से माल लाया करता था। कल मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कि आनंद नगर विजयनगर सेक्टर में एक गोदाम है, उसमें नकली माल भरा हुआ है। इसमें ओले कंपनी का है, कोई लैक्मे के काजल वगैरह भरे हुए हैं। तो कंपनी वालों ने सूचित किया तो कंपनी वालों के साथ जाके हमने देखा तो एक गोदाम में राकेश दुबे सन ऑफ किशोर सिंह दुबे उस गोदाम पर मिला हमें। तो हमने जाके कंपनी वालों ने बताया तो उसके देखा गया तो उसमें ओले के पैकेट थे, करीबन 2 से 2.5 हज़ार पैकेट ओले की कंपनी के थे और प्लस लैक्मे का काजल था जो नकली था। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से प्रोडक्ट वो लिफाफा वगैरह ले आते हैं, बोतल वगैरह जो रहती हैं ओले की, वो नकली बोतलें ला के बोतलें उस पर रैपर चिपका के और उस पर उसी तरह का कार्टून बना लेते हैं
जो उसका कार्टून रहता है उसे कार्टून बना के और ओले कंपनी की सील वगैरह पूरा लगा के उसकी कॉपी कर लेते हैं उसकी, और कॉपी करके वो मार्केट में यहाँ वहाँ से दिल्ली से यहाँ लेके आते हैं और यहाँ लाके गोदाम में भर के फिर सभी दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। जिसको खरीदार कौन लोग हुआ करते हैं दुकानों पर, जैसे हर दुकान पर जाते हैं वो कि आपको ओले का चाहिए, दूसरा आदमी 400 दे रहा है तो उसको 200 रुपये का दे देते थे वो, आधी कंपनी देते आधी रेट में देते थे तो कोई भी दुकानदार उनसे खरीद लेता था। कौन कौन सी कंपनी का माल पकड़ा गया, कितना तकरीबन कितनी कीमत रही है उसकी? करीबन 8 लाख रुपए का माल नकली पकड़ा गया है। ओले कंपनी का माल है, ओले की क्रीम है, प्लस कुछ शैम्पू है प्लस कुछ काजल है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए शहर में नियमित पेयजल आपूर्ति और जल संकट से जूझ रहे इलाकों में पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए निगमायुक्त संदीप माकिन द्वारा मंगलवार को बाल भवन परिसर में निगम के पीएचई अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान निगमायुक्त ने आदेश दिए कि गर्मियों के मौसम में इस तरह की व्यवस्था की जाए सभी इलाकों में भरपूर पानी पहुंच सके। ग्वालियर के गोले का मंदिर चौराहे पर शराब के नशे में धुत एक पुलिस कर्मियों ने बस सवार कुछ यात्रियों से बदसलूकी की तो बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद नशे में धुत पुलिस कर्मी यहां से फरार हो गया। बताया गया है कि पुलिस कर्मी अपना नाम प्रशांत तमंगे बता रहा था और वो मुरैना जाने के लिए बस में सवार हुआ था, लेकिन यहाँ यात्रियों से बदसलूकी करने लगा तो बस में सवार कुछ अन्य लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिस पर वह मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? नेम प्लेट दिखा रहे हो आप, दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पोस्टेड हो, किस जगह? नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में शहर के सभी देवी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों एवं अनुष्ठान की धूम मची हुई है। देवी की आराधना के चौथे दिन झांसी रोड स्थित वैष्णो देवी मंदिर पर सुबह से भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। यहां माता के भक्तों ने देवी की आराधना के साथ ही मंदिर परिसर में बने बाबा भैरवनाथ के मंदिर में भी दर्शन किए। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ जो भी अपनी फरियाद लेकर आता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। ये बिल्कुल वैष्णो देवी जो बड़ा मंदिर बना है वैसे ही बना है ये भी बिल्कुल अच्छे से। मैं मुरार से आया हुआ हूँ और मैं वैष्णो देवी जाता हूँ हर साल, यहाँ आया हूँ पहली बार। ऐसा लग रहा है कि यहाँ वैष्णो देवी जैसा ही है और बहुत अच्छा मंदिर बना है। पहली बार मैं यहाँ दर्शन किए, सबकी सब शुभकामनाएँ पूरी हों माता मैया की, बस यही कहना चाहता। इस मंदिर का निर्माण करे 38 साल करीब हो गए हैं और ये वैष्णो देवी का जो दरबार बना हुआ है, माँ वैष्णो देवी जम्मू के से लेकर के आए हैं, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली, जो आप पिंडी जो देख रहे हैं ये पूरा वहाँ का रूप है। और जो बड़ी मूर्ति आप देख रहे हैं दुर्गा की, ये जयपुर से बनवाई गई है। इस मंदिर की विशेषता केवल यही है कि जो भी मनोकामना के लिए आता है माँ के दरबार में वो खाली कभी नहीं जाता है और सच्चे दिल से मांगो माँ उसी की सुनती है। और आप लोगों के माध्यम से जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते उनको पता मालूम पड़ जाता है वैष्णो देवी मंदिर ग्वालियर में है, और आप लोगों का काफ़ी सहयोग है जो कि लोगों को बताया जा रहा रास्ता कि वैष्णो देवी का दरबार ग्वालियर में भी है और वही तर्ज में बनाया गया है। माता की ज्योतें भी जलती हैं, यहाँ हवन होते हैं डेली और 14 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है। 9 दिन माता की चौकी चलती है, आज फल का वितरण है आज शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, और यही प्रोग्राम मंदिर पर चलता है। माता की चौकी भी है 2-1 बार, अभी इसका तारीख फाइनल नहीं हो पाई है और 14 तारीख का विशेष भंडारा है। बच्चों और किशोर उम्र के छात्रों को तंबाकू की लत से दूर करने और उन्हें तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के उद्देश्य से नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट द्वारा मंगलवार को शहर के एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में NCHSE के अविनाश श्रीवास्तव द्वारा मध्य प्रदेश में तंबाकू के सेवन की मात्रा और उससे युवाओं के शरीर पर होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी। ये जो हमने कार्यशाला यहाँ पर रखी हुई है, ये हम लोगों ने जो हमारा टैग है
कि चलो युवा पीढ़ी को तंबाकू के खतरे से बचाएं, इस टैग को ध्यान में रखते हुए, टैग लाइन को एक हम लोगों ने 2017-18 में एक सर्वे किया था बिग टोबैको टिनी टारगेट के अंतर्गत, जिसमें कोर्ट पर 2003 जो हमारा एक्ट है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री वितरण और विज्ञापन को लेकर, इसका उल्लंघन जो स्कूलों के आसपास 100 गज के दायरे में दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं उसको लेकर है। ये सर्वे हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 5 शहरों ग्वालियर, सागर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में किया था, और इसमें लगभग हर स्कूल 53 स्कूलों में किया था, तो हर स्कूल के आसपास हम लोगों ने देखा था कि 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक्री की क्या स्थिति है। तो इस सर्वे में हमने ये पाया कि कोर्ट पर 2003 का आज 16 साल बाद भी उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, सभी दुकानों पर खुली सिगरेट बिक रही है, तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं, बच्चों के आई लेवल पर 1 मीटर हाइट पर तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं। जैसा कि कहा, तंबाकू कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार मानी जानी चाहिए, उनको जवाबदेह बनाना चाहिए। इस स्टडी में हमको ये भी निकल के आया कि किस तरह से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के, उनको इस समय पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है तंबाकू कंपनियों द्वारा, और वो उनको कैंडीज टॉफीज़ के पास इन तंबाकू उत्पादों को रख रहे हैं, विज्ञापन 1 मीटर हाइट पर रख रहे हैं, जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ग्वालियर में आबकारी विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई लाखों रुपए मूल्य की 31,000 लीटर कच्ची और देसी शराब नष्ट की गई। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी, SP नवनीत भसीन सहित आबकारी आयुक्त मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन और आबकारी विभाग शराब माफिया पर लगातार कार्रवाई करने में लगा है। इसी तारतम्य में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग चौधरी और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के नेतृत्व में आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न कार्रवाइयों में जब्त की गई शराब को JCB मशीन से नष्ट किया गया। इसमें से कच्ची और देसी शराब डबरा भीतरवार क्षेत्र और अंग्रेजी शराब शहर से जब्त की गई थी। SP के मुताबिक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चुनाव के दौरान अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए जो विभिन्न टीमें कार्य कर रही हैं, आज जैसा कि आपने देखा कि उसमें लगभग 31,000 लीटर के आसपास अवैध शराब नष्टीकरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न की गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी चुनाव के दौरान, जिससे कि अवैध शराब का दुरुपयोग ना हो पाए, और जो भी शराब पकड़ी जाती है उनका इसी प्रकार हम लोग ये प्रयास करेंगे कि साप्ताहिक आधार पर नष्टीकरण की कार्रवाई भी संपन्न करते जाएँ। हमारे यहाँ जो विभिन्न एक्साइज की और पुलिस की कार्रवाई में जो शराब जब्त की जाती है उस शराब का नष्टीकरण रहता है। आज यहाँ पे करीब 31,000 लीटर शराब को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये कार्रवाई अभी लेट आफ्टरनून तक चलेगी, और जो इलेक्शन के पहले जो विभिन्न कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसी कार्रवाइयों का एक हिस्सा ये भी है। डबरा BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर को बंद करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिजल्ट आउट करने के बाद भी अभी तक स्कूल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए कक्षाएं शुरू नहीं की गई हैं। इसी को लेकर डबरा SDM जयंती सिंह ने BSF प्रशासन और अभिभावकों की तहसील सभागार में मीटिंग ली। इस दौरान अभिभावकों और BSF अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हो गई। बाद में SDM द्वारा यहां मीटिंग हॉल से पत्रकारों को जबरन बाहर कर दिया गया। यह आपको बता दें कि 20 मार्च को BSF प्रशासन के द्वारा स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया था। तभी सभी अभिभावक एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जिला कलेक्टर ग्वालियर अनुराग चौधरी के यहाँ पहुँचे थे, जहाँ उन्हें आश्वासन दिया गया था कि यदि केंद्रीय विद्यालय सभी छात्र छात्राओं के दाखिले नहीं लेता है तो BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल को यथावत संचालित रखा जाएगा। जबकि अब केंद्रीय विद्यालय ने अपनी गाइडलाइन से अलग हटकर दाखिले लेने से मना कर दिया है और BSF स्कूल अभी भी बंद है। बच्चों का रिजल्ट आउट होने के बाद अभी तक छात्र छात्राओं की कक्षाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं, जिस पर डबरा SDM ने BSF प्रशासन और अभिभावकों के साथ मंगलवार को बैठक की, जहाँ प्रशासन के रुख से अभिभावक नाखुश नजर आए। इसमें BSF के कर्मचारी अश्वनी कुमार शामिल हुए,
जो कि एक भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। प्रशासनिक और प्रशासन ने कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। सारे 750 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनका ये निश्चित नहीं हो पा रहा किस विद्यालय में वो जाए या नहीं जाए। अभी भाई साहब आप मीटिंग में आए थे, आपको आपसे क्या बात हुई है? आपको बोलने दिया गया, अपनी बात रखने दी गई या नहीं? हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, ना ही हमारी कोई बात को रखने का मौका दिया गया। जैसे मैंने पूछा, मेरे जो बच्चे 10th में गए इस साल, हो सकता है वो इस साल फेल हो जाए तो BSF स्कूल बंद हो जाएगा, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो दोबारा से 9th में कहीं और एडमिशन लेंगे? क्या लगता है प्रशासन और BSF की मिलीभगत से ये सब दबाया जा रहा है? सब कुछ अपने अपने मर्जी का चल रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर करने और बिड़ला नगर रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर मंगलवार को ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में चैम्बर पदाधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां चैम्बर पदाधिकारियों ने ग्वालियर में कुछ नई ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने और बिड़ला नगर स्टेशन को जल्द से जल्द विकसित करने की मांग की। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में निगमायुक्त श्री संदीप माकिन जी और स्मार्ट सिटी CEO श्री महीप तेजस्वी जी की मौजूदगी में एक ग्वालियर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाए जाने के लिए PPP मॉडल पर इसको किस तरह से रेलवे आदर्श स्टेशन बनाना है इसके बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया है। हमने अपने सभी व्यापारियों और उद्योगपतियों को यहाँ बुलाकर ये बताया है कि किस तरह से इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है, किस तरह से इसमें भाग ले सकते हैं और कैसे इसकी निविदा में आप भागीदार हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को विस्तार से बताते हुए साथ ही उनसे मांग की है कि ग्वालियर के नज़दीक बिड़ला नगर स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जाए, जिससे कि ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रैफिक भी कम हो और एक नया विकास हो सके। इसका ज्ञापन GM अर्बन श्री अश्विनी कुमार जी को सौंपा गया है। डबरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब कृषि उपज मंडी के सामने एक दुकान से दो अज्ञात बदमाश 2 लाख से अधिक का गल्ला उठाकर अपने साथ ले गए। सबसे बड़ी बात है, जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय गल्ला व्यापारी अपनी ही दुकान के बगल में ही किसानों के लिए गल्ला तौल रहा था और उसका दूसरा भाई बगल के होटल पर पानी पीने के लिए चला गया था। जब व्यापारी ने दुकान पर आकर देखा कि उसका पैसे से भरा गल्ला गायब है तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मैं अपनी दुकान पर माल तोल रहा था, दिन में 2 बजे के टाइम पर। इतने में 2 लड़के आए और उनने गल्ला उठाया मेरे, गल्ले में 2.25 लाख रुपए रखे थे, उठा के सीधा मोटरसाइकिल पे रखा और निकल गए। और कौन था आपके साथ में दुकान पे? दुकान पर लेबर थी और किसान थे बस। तो ये अच्छा रहा, मैं उस पीरियड में वहाँ नहीं था दुकान पर। कैसे जानकारी मिली कि आपको? तो मंडी का कैमरे में देखा हमने, ये CCTV कैमरे में फुटेज देखा, तो उसमें दिख रहा है क्लियर कि 2 जने आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने गल्ला उठाया वहाँ से निकल गए। उस स्पीड में अगर हम होते तो हम पे भी वो कोई हमला करते, वो ले जाते, उसे लेने भी पर्वत से आए। ये करीबन 2 बजे के करीबन हमें जानकारी मिली थी कि मंडी गेट के जस्ट सामने जो व्यापारी है रवि शिवहरे की दुकान है, उनकी दुकान से उनका ये वर्जन था कि उनकी दुकान से गल्ला गायब है और चोरी का उन्होंने अंदेशा जताया था। फिर हमने तत्काल प्रभाव से टीम रवाना की थी और CCTV फुटेज की जानकारी के लिए भी हमने कुछ लोगों को बोला था। उससे अभी तक ये जानकारी निकल कर आई है कि 2 लोग थे, एक मोटर बाइक से आए थे और किस दिशा में गए वो CCTV से कंफर्म हो गया है और हम उस पर अभी वर्कआउट कर रहे हैं। टीम गठित कर दी गई है, आसपास के थानों से संपर्क किया जा रहा है और जितने भी थाने शहर में जितने भी CCTV लगे हैं उनसे मूवमेंट ट्रैक करके हम पता लगाने की कोशिश। सर, जो व्यापार ही है उसका कहना है कि 2 लाख रुपए के समथिंग गए हैं, क्या है, क्या लगता है एग्जैक्ट अमाउंट? अभी व्यापारी से चर्चा करके पता किया जाएगा। व्यापारी का कहना है कि 2.5 लाख की रकम केंद्र में।
शहर में यातायात के नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दिनों सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि लोग नियमों का उल्लंघन ना कर सकें। यातायात पुलिस द्वारा इसके लिए ई चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों को यातायात के नियम सिखाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा शहर के ज़्यादातर चौराहों पर ट्रैफिक लाइन सिग्नल लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अब मौके पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही उनके ई चालान भी काटे जाएंगे। यहां बता दें कि यातायात पुलिस द्वारा 1 जनवरी से 8 अप्रैल तक 1000 से अधिक ई चालान काटे जा चुके हैं। शहर में हमारे दो प्रकार के सिग्नल, दो कंपनियों द्वारा सिग्नल लगाए गए हैं। एक द्वारा 29 सिग्नल लगाए गए, एक द्वारा 12 सिग्नल, कुल मिला के इस प्रकार 41 सिग्नल लगाए गए हैं। और जिन चौराहों पर सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पर स्टाफ भी लगाया गया है। जब रेड लाइट का पालन कराने के लिए आपने देखा होगा प्रयोग बतौर रस्से भी लगवाए गए थे, टार्च देकर उनको रुकवाया गया, इसके बावजूद भी कई पॉइंटों पर रेड लाइट जंपिंग करते हैं। वहाँ पर मेरे द्वारा जो टैंगो जिनको बोलते हैं अधिकारियों को और स्टाफ लगा हुआ है, उनके द्वारा उनको उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाती है। 1 जनवरी से यदि कल 8/4 तक देखें तो 1049 चालान रेड लाइट जंपिंग के ग्वालियर शहर में बनाए गए हैं। ग्वालियर के बाल भवन सभागार में मंगलवार को नगर पालिका निगम ग्वालियर और कौशल विकास विभाग द्वारा युवा स्वाभिमान योजना के तहत काउंसलिंग शिविर लगाया गया। 8 से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस काउंसलिंग शिविर में बताया गया कि कौशल उन्नयन कैसे किया जा सकता है, जिससे कि रोजगार के लिए किसी को भटकना ना पड़े। ये युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत बच्चों की काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चालू की है। और बच्चों को 10 दिन नगर निगम में पहले कार्य करना था, उसके बाद इनको प्रशिक्षण केंद्र आवंटन हो रहा था, जो कि सारा कार्य भोपाल से किया जा रहा था। लेकिन योजना का सुचारू संचालन होने में ये दिक्कत आ रही थी कि बच्चों को जो केंद्र आवंटन किया जा रहा था वो उनके घर से, उनकी लोकेशन से दूर पड़ रहे थे। तो शासन से ये आदेश आया कि इन बच्चों की काउंसलिंग की जाए और उनके निकटवर्ती जो ट्रेड हैं और जो केंद्र हैं बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके, जिससे बच्चे अपनी कार्य के साथ साथ अपने प्रशिक्षण में भी पूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। 2569 लोगों की लिस्ट आई है जो हमारे ऑनबोर्ड हुए थे, सभी को ये मैसेज गए हैं। और ये 8 से 12 तारीख तक की सतत प्रक्रिया है, इसमें रोज के 2 स्लॉट बनाए गए हैं। सुबह 10:30 बजे से पहली शिफ्ट है और दूसरी 2:30 बजे से शिफ्ट है। 250 बच्चे प्रत्येक शिफ्ट में आते हैं। हाँ, काउंसलिंग में इनको एक सेशन दिया जाता है, इनिशियली बताया जाता है कि वर्तमान में कौन कौन से केंद्र संचालित हैं और उस पर कौन से कोर्स चलेंगे। उसके अनुसार वो बच्चे अपने हिसाब से उस केंद्र पर जाके अपना पंजीयन करा देते हैं और फिर उनका बैच बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।